बहुत दिनों बाद आज गुल्ली बुल्ली और सोनिक हॉरर मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल आए थे। इन लोगों की मूवी रात के 9 से 12 चलने वाली थी और अभी रात के 12:30 बज रहे हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन तो मूवी देखकर 12 बजे ही सिनेमा हॉल से बाहर आ गए थे, लेकिन अभी तक इन लोगों को घर जाने के लिए कोई ऑटो मिल ही नहीं रहा है और क्योंकि बहुत रात हो चुकी है इसलिए सारे लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। हमारी गाड़ी को भी आज ही खराब होना था, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे गुल्ली बुल्ली? मैंने बोला था ना कि पहले गाड़ी ठीक करवा लो फिर चलना मूवी देखने, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। गुल्ली कहता है, अरे सोन तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, हमने तो तुम्हारी बात पे ध्यान दिया था और मैंने ये भी कहा था कि गाड़ी ठीक करने में जितने भी पैसे लगेंगे वो हम तीनों मिलकर देंगे, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैंने गाड़ी बनवाया ही नहीं। हाँ सोन, गुल्ली ठीक कह रहा है, तुम एक नंबर के कंजूस आदमी हो। सोन कहता है, देखो गुल्ली तुम बहुत बोल रहे हो, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम्हें नाली में पटक पटक के मारूंगा। मुझे कंजूस बोलते हो, तुम होगे कंजूस। चुप रहो सोन, एक चाटा मारूंगा ना तो घूमते हुए नीचे गिर जाओगे। तुम्हें तो गुल्ली ने कंजूस बोला तो फिर तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? अच्छा अच्छा सॉरी गुल्ली, मुझे लगा तुमने मुझे बोला। गुल्ली गुल्ली को मैंने जो भी बोला समझ लो वो सब तुम्हारे लिए था। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी इन लोगों को एक ऑटो की आवाज सुनाई देती है। अरे वो ऑटो वाला वहीं क्यों रुक गया, चलो गुल्ली बुल्ली उसके पास चलकर देखते हैं। ये कहकर ये लोग उस ऑटो वाले के पास जाने लगते हैं। इस ऑटो के पास आते ही गुल्ली बुल्ली और सोन देखते हैं कि ये ऑटो वाला तो एक बच्चा है जो कि ऑटो में ही सोया हुआ है। अरे तुम तो एक छोटे से बच्चे हो तो फिर तुम ऑटो कैसे चला रहे हो? क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है ऑटो चलाने का? मैं क्या तुम्हें 18 साल का दिखाई दे रहा हूँ जो मेरे पास लाइसेंस होगा? बिना लाइसेंस के चला रहा हूँ मैं ये ऑटो, लेकिन तुम लोग मुझे बच्चा मत समझना क्योंकि मैं अकेले ही तुम तीनों को मार सकता हूँ। बुल्ली इस बच्चे से कहता है, इतनी रात को मजाक क्यों कर रहे हो, चलो हमें पहाड़ी के पीछे जाना है, कितने पैसे लोगे हमें वहाँ पहुँचाने का? ये बच्चा कहता है, 10-10 रुपए दे देना, वैसे तो मैं सब लोगों से 100-100 रुपए लेता हूँ लेकिन तुम लोग मुझे अच्छे लग रहे हो, चलो अब बैठ जाओ ऑटो में। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन इस ऑटो में बैठ जाते हैं और ये बच्चा इन लोगों को इनके घर लेकर जाने लगता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली और सोन को ये नहीं पता है कि ये लोग आज कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। वैसे ड्राइवर अंकल, आप इतने सुनसान इलाके में वो भी रात के 12:30 बजे ऑटो में सो क्यों रहे थे? पागल हो क्या सोन, ये तो एक बच्चा है, तुम इसे अंकल क्यों बोल रहे हो? ये बच्चा कहता है, वो क्या है ना, मेरा कोई घर नहीं है इसलिए मैं ऑटो में ही सो जाता हूँ जब भी मुझे नींद आती है, और वैसे मैं डेली ऑटो भी नहीं चलाता हूँ, वो तो आज अमावस्या की रात है इसलिए मैं तुम लोगों को दिख रहा हूँ। और अमावस्या के अलावा तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारा अमावस्या से क्या लेना देना? आज तो भूत और चुड़ैल घूमते हैं, कहीं तुम भूत तो नहीं हो? हाँ तुम लोग कुछ ऐसा ही समझ सकते हो। गुल्ली बुल्ली ये तो सच में भूत है। अरे वो भूत तुम पीछे क्यों देख रहे हो, जल्दी सामने देखो नहीं तो ये ऑटो कहीं ठुक जाएगी और हमारे साथ तुम भी मारे जाओगे। कोई बात नहीं, मैं तो भूत हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम लोगों का क्या? पास में ही एक खाई है, मैं ये ऑटो उस खाई में गिराने वाला हूँ, अब तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। जल्दी कुछ करो गुल्ली बुल्ली, नहीं तो हम तीनों मारे जाएंगे। करना क्या है सोन, जैसे ही मैं तीन तक गिनती गिनूंगा सारे लोग ऑटो से कूद जाना, 1, 2, 3। तीन तक गिनती गिनते ही गुल्ली बुल्ली और सोन ऑटो से कूद जाते हैं और भागते हुए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन को ऐसा लग रहा है कि उस ऑटो वाले भूत ने इन लोगों को ऑटो से कूदते हुए नहीं देखा है इसलिए ये लोग बच गए, लेकिन ऐसा नहीं है। कहाँ तक भाग कर जाओगे जंगल में? इधर गुल्ली बुल्ली और सोन एक पेड़ के पीछे छुप चुके हैं, लेकिन अरे ये क्या, वो ऑटो वाला कहाँ चला गया? वो तो ऑटो में है ही नहीं, अब क्या करे बुल्ली और सोन, वो बच्चा भूत कहाँ चला गया? बुल्ली कहता है, लगता है वो बच्चा भूत गायब होकर हमें पकड़ने गया होगा जंगल के अंदर, क्योंकि उसे ये थोड़ी ना पता है कि हम लोग यहाँ छुपे हुए हैं। पागल हो क्या बुल्ली, वो गायब कैसे हो सकता है, वो जादूगर थोड़ी ना है। गुल्ली कहता है, अरे सोन तुम चुप नहीं रह सकते, भूत गायब नहीं होते हैं क्या? चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे ऑटो चलाना आता है, जब तक वो भूत गायब है चलो हम लोग जल्दी से ऑटो में बैठकर बाबा के घर चलते हैं, क्या कहते हो? पहली बार जिंदगी में पहली बार तुमने अपना दिमाग लगाया है गुल्ली, चलो जल्दी।
ऑटो में बैठते ही गुल्ली ऑटो को स्टार्ट करता है और आगे जाने लगता है। अब इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये लोग बच गए, अब वो बच्चा भूत इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन गुल्ली बुल्ली और सोन को ये नहीं पता है कि ये ऑटो शापित है। अरे अरे अरे, ये ऑटो तो उड़ने लगा, ये कैसे हो रहा है गुल्ली? मुझे क्या पता सोन, मैं थोड़ी ना उड़ा रहा हूँ इसको, ये तो अपने आप हो रहा है। लगता है ये ऑटो शापित है, हम लोगों को इस ऑटो में नहीं बैठना चाहिए था। पता नहीं ये ऑटो हमें कहाँ लेकर जा रहा है। कुछ ही देर में ये ऑटो गुल्ली बुल्ली और सोन को एक टूटे हुए पुराने झोपड़ी के पास लेकर आ जाता है और नीचे जाने लगता है। ये हम लोग कहाँ आ गए गुल्ली और सोन, इससे पहले कि हमारे साथ कुछ और भी हो, चलो जल्दी ऑटो से बाहर निकल जाते हैं। ये कहकर ये लोग तुरंत ही ऑटो से बाहर आ जाते हैं और इस घर को देखने लगते हैं। ये घर तो दिखने में बहुत ही डरावना लग रहा है। क्या कहते हो गुल्ली बुल्ली, चलो इस घर के अंदर चलकर देखते हैं। गुल्ली कहता है, लेकिन सोन क्यों जाना है हमें इस घर के अंदर, कहीं हम लोग किसी मुसीबत में ना फंस जाए। देखो ये घर कितना टूटा हुआ है, लगता नहीं कि इसमें कोई रहता होगा। बुल्ली कहता है, मुसीबत में तो हम अभी भी फंसे हुए हैं गुल्ली, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हमें पता होता कि आज अमावस्या की रात है तो हम लोग मूवी देखने आते ही नहीं, अब देखो हमें पता भी नहीं है कि हम लोग कहाँ आ गए। हाँ बुल्ली, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन अब हम करें क्या। मैं तुम लोगों को ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ कि अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो करना है वो मैं करूँगा। सुनो गुल्ली बुल्ली और सोन, जल्दी से इस घर के अंदर आ जाओ तो तुम लोगों को वो भूत नहीं मार पाएगा। अरे नहीं, ये क्या, गुल्ली बुल्ली और सोन ने देखा कि झोपड़ी के अंदर भी वही भूत है, लेकिन ये दिखने में भूत जैसा नहीं लग रहा है। सोन कहता है, गुल्ली बुल्ली अब क्या करे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऑटो के पास वो भूत है और झोपड़ी के अंदर ये बच्चा जो कि भूत भी हो सकता है, और ये हमें बुला भी रहा है, क्या हमें झोपड़ी के अंदर जाना चाहिए? नहीं सोन, मुझे लगता है ये भी एक भूत ही है। नहीं नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मेरी बात मानो और झोपड़ी के अंदर आ जाओ। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं कि गुल्ली बुल्ली और सोन को इस झोपड़ी के अंदर जाना चाहिए या नहीं, और क्या ये बच्चा भी भूत है, ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। और अगर आप आगे की स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में मुझे टैग करते हुए लगाओ, मैं आपकी स्टोरीज को खुद की स्टोरीज में लगाऊंगा। तो ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स। अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम अगली वीडियो में आए तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर अपना नाम कमेंट कर दो।